मधुबनी में एक मनचला युवक का पेड़ से लटका मिला शव, मृतक युवक की हुई थी दो दो शादी और दोनों पत्नियों ने छोड़ दिया था। किसी तीसरी महिला से करता था बात, सीमावर्ती क्षेत्र सहरघाट थाना क्षेत्र की मिंती गांव की घटना। मधुबनी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में बुधवार की अहले सुबह सहरघाट थाने की मिंती रतौली गांव स्थित रतौली गाछी में एक युवक का शव आम के पेड़ से झूलता मिला। मृतक की पहचान मिंती गांव के भोगेंद्र ठाकुर के 22 वर्षीय पुत्र राहुल ठाकुर के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोग सुबह बगीचे की तरफ गए तो शव को पेड़ पर झूलते देखा, जिसके बाद इलाके में सनसनी मच गई और वहां आसपास के गांव के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। फिर मामले की सूचना मिलते ही सहरघाट थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक मानसिक रूप से बीमार और पारिवारिक तनाव से गुजर रहा था। उसकी दो शादियां हुई और किसी कारण से दोनों ही पत्नियों ने उसे छोड़ दिया था। इधर उसकी किसी तीसरी महिला के साथ फोन पर बातचीत हो रही थी और बुधवार की सुबह शव आम के पेड़ से झूलते देखा गया। इधर सहरघाट पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मधुबापुर से अमरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कैसे क्या घटना हुई, कोई जानकारी है? जानकारी तो हमरा कुछ नहीं, समूह तो डेली दुकान पर से खाना उना खा के हम उसी तो रहे मैंने सवेर में जैसे ना ना पता चला। हाँ भाई छी मृतक के, तो कुछ लड़की वाला बात कही चली फोन तो में बतियाई छी के बात छली बतियाई छली फोन से बराबर फोन से बतियाई छली। शादी कर भेल छली? शादी दू गो भेल छली। हाँ फिर अच्छा दू गो शादी भेल दोनों पत्नी से छोटा छुट्टी भगल। की नाम है कर? राहुल अहाँ के भाई है, अहाँ के नाम? अच्छा ये नहीं जानकारी कि केना भेल मौत भेल से?